वैसे तो सूबे की कैप्टन सरकार गरीब परिवारों नूं पंज मरले पलाट देण दे नाल नाल कई होर सहूलतां देण दे दावे कर रही है अते दूजे ही पासे कुछ गरीब लोग अज भी सरकारी सहूलतां लैण लई दर दर दीआं ठोकरां खा रहे ने जिन्हां दे सिर ते रहण लई ना तां छत है अते ना ही खाण लई रोटी। जेकर गल की जाए फिरोजपुर की तो वंड तो बाद यह इलाका एक पछड़े इलाके वजो जाना जाता है। अज बेशक समय दी सरकार ने इस इलाके नू अखबारां दी सुर्खियां विच पहले नंबर ते लै आंदा है पर इस इलाके दे लोग अज भी गरीबी रेखा विच जी रहे ने। गल करन जा रहे हैं जिला फिरोजपुर के पिंड सहजादी की जिथों का एक गरीब परिवार गरीबी के नाल नाल परमात्मा की प्रकोपी का भी सामना कर रहा है जिसकी सार ना तो सरकारां लै रही ने ते ना ही रब। इस गरीब परिवार के ना तो रहने लई सिर ते छत है ते ना ही पड़ोली विच दाने भुखे सौंदे न्याणे जो गरीबी कारण दुख भरी जिंदगी जीण लई मजबूर होए पए ने। साडी टीम वल्लों जदों गलबात कीती गई तां पिंड वासियां ते परिवारक मैंबरां ने की दस्सिया तुसीं खुद ही सुन लो। जी कुलविंदर कौर जी। हां किन्नी उम्र अपनी? मेरी उम्र 19 सालां दी। तुसीं पढ़े हो बिल्कुल? नहीं नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े? कारण घर दी गरीबी देख के पढ़े नहीं, मां प्यो को पढ़ाया नहीं गया। अच्छा हुण हालात के हो जाने तुहाडे? बहुत माड़े आ, काफी टाइम तो बहुत माड़े चलदे पए आ हालात साडे। हुण किस तरह तुसीं गुजारा कर रहे हो घर दे विच रह के? की सरकारां तों की उम्मीदां ला के बैठे? सरकार तों इह मंगदे आ साडा घर बार बना देण। अज 5 दिन हो गए कमरे डिगे नूं किसे ने नहीं सुनी साडी। हुण तुसीं किस तरह रह रहे हो बाहर? तुसीं बहुत औखे रह रहे आ। नहीं खुले समान थले रह रहे? किस तरह रह रहे हो? असीं जी अज तंबू जिहा बनाया इत्थे रह रहे आ, इह वी पता नहीं मीं नेरी ना कदों डिग जाणा, इस हिसाब नाल साडी मौत वी हो सकदी आ। उम्मीद करदे आ कि सानू कोई घर बार बना दे सरकार वधिया। मेरा डैडी बोला वा ओ काम नहीं करदा, माड़ा मोटा कर लैंदा, गूंगा वा सौंदा नहीं ओनू। असि दोने भैणा वा ते असि किसे दा काम करके नाले मां प्यो नूं लैके देणगे नाले असि आप टाइम सार देंगे घर दा। कोई नहीं साड़ी सौंदा जे छेती तो छेती साड़ी सौं ले कोई। धन्यवाद हो गया उन्हां दा। हाँ जी भाजी, इन्हां दा कमरा सी एक दो दिन पहला बारिश आई है हनेरी दे नाल ओह डिग पिया, इस टाइम यह इस तरह ही रह रहे ने बिना खुले समान दी छत दे हेठ। जे हुण भी मीह जां हनेरी आए ते इन्हां दा समान ते आप ते इन्हां ने भेजना, समान भी इन्हां दा भेजना है। सरकार नूं प्रशासन नूं बेनती है भी इन्हां दा कमरा जिहड़ा बना के दिता जावे। ते बहुत ज्यादा गरीब परिवार आ, जिहड़ा आप बंदा है मालका घर दा ओह गूंगा भी आ ते बोला भी आ, दिहाड़ीदार दिहाड़ी करदा ते महा आपदा गुजारा ही करदा चलदा। दो बेटियां ने इन्हां दीआं,
बेटा नहीं है, बेटिया ही ने, बेटिया भी नाल हाथ भड़ी पाउंदियां ने, पर उन्नी गल नहीं बनती भी आपका घर का गुजारा ही, तुहानू पता भी खर्चे बहुत ज्यादा वधे हुए ने, इस करके आपका ही गुजारा महा चलाउंदे ने। ते मेरे वीर सज्जना नूं बेनती है भी जिहड़े कोई संस्था है जां NRI वीर हालात विच रह रहे खुला समान थले किस तरह रह रहे, खुला समान तुसीं वेख लो भी आप उत्ते इन्हां ने छत पाई आ पल्लियां दी बना के, हुण मन के चलो भी जे नेरी जां मीह आ जाए तो इन्हां दी जिहड़ी जिंदगी है उदों भी बदतर बन जाणी है, इन्हां दे हालात जिहड़े इन्ने ज़्यादा खराब हो चुके हैं। तो NRI वीर सज्जना संस्था को बेनती है ये भी आन के अगे इन्हों की मदद की जाए, सरकार को तो बेनती हैगी हैगी है। हाँ जी, की नाम थोड़ा, कितों के रहने वाले तुसी? मेरा नाम भोली। हाँ जी भोली। हाँ जी पिंड शहजादी। शहजादी दे विच तुसी अपने टुटे मकान थले किवें रह रहे, किस तरह? इस तरह बैठे हैं दो गुड्डियां भाई जी। हाँ जी घर वाला गूंगा बोला सुनदा नहीं है, अज पांच दिन हो गए कोठे डिगे ने। किन्नी देर हो गई तुसी किस तरह हालात विच? बहुत ज्यादा लात मारी भाई जी, बहुत भाजी लात मारी साडी, कोई नहीं सुनदा, आप ही बज्जा लिया दो गुड्डियां लेके बैठे हैं, धुप्पे बैठे हैं। कोई सरकार दे दवारे गए तुसी फरियाद कीती किसी ने? भाई इत्थे वेखी जांदे सारे, हुण असीं सरकार को मंग मंगदे साडी सुनो, लूले पिंगले हैगे आ ना असीं कुछ करन जोगे, दोवें जी गुड्डियां दो आ लेके बैठे आ धुप्पे बेचारियां। माड़ा मोटा लोकां दा काम कार करके झाड़ू पोचा ला के आपदी रोटी मेनू भी मां प्यो नूं भी खवांदियां आप भी खवांदियां। नहीं भाई जी गरीबी बहुत नहीं पढ़ा सके इन्होंने जिंदगी, सरकार तो बड़े दावे करती है, बड़े दावे किए सरकार ने। हाँ हाँ सरकार ने बहुत दावे किए पर साडा दावा कोई पूरा नहीं होया, बहुत कहंदे रहे कोठा पा के दवांगे, फिर दी बाकी कोठा साडा डिग गया भाजी। गुड्डियां लेके मैं चारियां बैठे हो, साडा समान पिया बहरे धुप्पे सेकन दी, सरकार को मंग मिलने भी वो तो वी सरकार घर बार पा दे कमरा पा दे, सरकार नहीं सुनदी, जिन्ना कह दिता वेखी जांदे सारे, अज पांच दिन हो गए आ कुड़ियां नूं मैं बैठी लैके, बहुत गुजारा औखा करना, बहुत ज्यादा औखा होएगा, घर आला गूंगा बोला सुनदा नहीं है, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਐ ਹੋਈ ਮੈਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਜਾਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਛੱਤ ਵੀ ਉੱਠ ਗਈ, ਅੱਜ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਔਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਕਮਰਾ ਵੀ ਟਾਇਟੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਰਹਿਸੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪ ਬਚੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਮੌਕਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਲੈਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਗਹੀਨ ਨੇ ਔਰ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਪੇਟ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। NRI ਵੀਰ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰ ਢੱਕ ਸਕਣ, ਅੱਜ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। NRI ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਸਾਡਾ।